everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 2nd, subject Marigold. तो बेटा Marigold में आज हम करने वाले हैं यूनिट 2. यूनिट 2 में हमने पेज नंबर 28 में यहाँ पे 5 सेंटेंस तक कंप्लीट किया था. तो आज हम करने वाले हैं ए वाला क्वेश्चन, लुक लिसन एंड रिपीट वाला. तो यहाँ पे आपको सभी के डिफरेंट दिए हैं, नेम दिए हैं. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द ग्रुप एनिमल्स बर्ड्स एंड थिंग. तो जो जो एनिमल्स क्या करते हैं उसकी थिंग्स दी है. तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए और यहाँ पे से ढूंढ कर इस पिक्चर में हमें लिखना है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है प्राइड ऑफ लायंस. प्राइड का मतलब प्राउड, वो अपने आप को प्राउड करते, एकदम डरते नहीं है, कहाँ पे भी जाती है तो अपने प्राउड एकदम, उसको एकदम होनहार समझते हैं, उस प्राउड फील करते हैं, एकदम होनहार, एकदम डरते नहीं, ऐसा वो उसकी थिंग है, उसका हाव भाव ऐसा है. फिर नेक्स्ट है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो यहाँ पे आपको दिया है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड इस तरह से सब साथ में आवाज़ करते हैं, इस तरह से फ्लॉक फ्लॉक बोल, इस तरह का आवाज़ नहीं करके मतलब फ्लॉक करते, डाउन होते हैं, फ्लॉक होते हैं, इस तरह ना. फिर अ ट्रोप ऑफ मंकीज, मंकी का एक हाव भाव कैसा होता है, उसकी थीम इस तरह से बातें करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोप. फिर अ शाउल ऑफ फिश, फिश इस तरह से ब्लब्स दस इस तरह के निकालती है ब्लब, और फिर इस तरह से उसके थिंग्स होती है इस तरह के, उसको कहते हैं सोवल. फिर अ स्वाम ऑफ बीस, हनी बी इस तरह का आवाज़ निकाल कर गुन 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 करती है. अ पाइल ऑफ बुक्स, तो बुक इस तरह से लगे या फिर बंच लगा कर एक थप्पा लगा कर दिया है तो उसको बोलते हैं पियल. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पे एक ग्रेप्स का पूरा बंच है. फिर है आर्मी ऑफ आंट्स, आर्मी, आर्मी का मतलब जो सैनिक होते हैं ना, उसके कितने होते हैं आर्मी, तो ठेना बड्डे ढेर सारे व्यक्ति होते हैं उसमें आर्मी. तो यहाँ पे आंट का भी ऐसा होता है, आपने देखी कभी आंट्स की चीटियाँ हैं, वो उसकी लाइन में कितनी ढेर सारी होती, एक दो तो नहीं होती है, बहुत सारी होती है, तो उसको बोला जाता है आर्मी. और यहाँ पे ए एन यूज हुआ क्योंकि ये वो वेल्स है. हेल्ड ऑफ काउंस, यहाँ पे काव का है हाव भाव इस तरह का होता है, एकदम सीधी खड़ी रहती है, फिर वो बैठ जाती है. फिर अ क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पे पीपल दिए हैं, क्राउड ऑफ पीपल, वो सबके एक्सपीरियंस, एक हाव भाव देखो उसके एक्सप्रेशन इस तरह का. बेटा आपको यहाँ पे दिया है. फिर नेक्स्ट है पिक्चर, लुक लिसन एंड रिपीट. डिस्क्राइब द पिक्चर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सर, यहाँ पे आपको पिक्चर में थ्रू यहाँ पे से वर्ड्स लिखना है. तो फर्स्ट है ब्लैक, ब्लैक कलर का है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक. फिर छोटू है तो स्मॉल. फिर फेट ही है तो यहाँ पे फेट. फिर उदास है तो यहाँ पे आएगा सेड. फिर ए है रेड कलर का तो यहाँ पे रेड, देखो यहाँ पे आपको लिख कर भी दिया है बेटा. फिर हैप्पी फेस है इसका तो यहाँ पे हैप्पी. फिर वाइट है तो यहाँ पे वाइट. फिर राउंड है तो यहाँ पे राउंड. फिर जो जो नेम हमने यहाँ पे बेटा लिखे उसको आपको कर देने हैं टिक मार्क. ओके, आपको 10 दिए बट यहाँ पे हम 8 ही करने हैं. फिर नेक्स्ट पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन है काउंट एंड राइट. तो फर्स्ट है पेंसिल, तो पेंसिल यहाँ पे एक है तो एक पेंसिल है तो पेंसिल, इससे ज़्यादा होंगी तो पीछे क्या हो जाएगा एस लगा जाएगा. पेंसिले, ए पेंसिल है, ए पेंसिल है तो 3 पेंसिल्स. ए बॉल है, एक बॉल है और यहाँ पे ए सब कितने सारे बॉल हैं तो बॉल्स 6 बॉल्स. 2 ए यहाँ पे 1 एप्पल, 1 एप्पल 5 एप्पल्स, यहाँ पे एक से ज़्यादा है इसीलिए एस. 1 रोज, यहाँ पे 10 रोजेस. फिर 1 काइट, यहाँ पे एक पतंग है तो यहाँ पे 7 काइट्स, मतलब 7 काइट्स यहाँ पे पतंगे है. फिर 1 बर्ड, यहाँ पे 12 बर्ड्स, तो ये 12 बर्ड्स है. बेटा समझ में आया, एक से ज़्यादा हो तो पीछे लगेगा एस, क्या लगेगा एस.
वो ई लिख कर दिया होगा तो भी आपको ऐसे लगाना है, ओके। फिर हाउस, वन हाउस, टू हाउसेस, वन ट्रीज, फाइव ट्रीज, एट, वन बेड, 14 बेड्स, वन कैप, 8 कैप्स, वन टेबल, 9 टेबल्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 33 पर। आपको यहाँ पे एक कैप, इसको डॉट को ज्वाइंट करके एक लेटर को कंप्लीट करना है, एम एन ओ पी एंड क्यू, ओके। फिर लिखना किस तरह है आपको, ए एम एन ओ पी क्यू, ओके। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पी के बाद क्यू के बाद यहाँ पे आर एस टी यू वी, चलो इस तरह से लिखना है यार, आर एस टी यू एंड वी, सब भी मैं आपको लिखना है यहाँ पे वी के बाद, डब्ल्यू इसका आपको यहाँ पे टेलीस्कोप क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है, ओके, डॉट को जो मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ, वी एक्स वाई जेड, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब कंप्लीट करना है, फन टाइम। चलो अब इस जिराफ का आपको ज्वाइंट करना है, वन से लेकर यहाँ पे लास्ट में 15 नंबर तक करना है, ओके। चलो वन से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 के बाद क्या आएगा, 9 10, फिर 11 से ज्वाइंट करना है सीधा, नहीं 20 पे नहीं, 11 के बाद 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 के बाद 43 44 45 46 47 48 49 and 50। तो चलो ये हमारा बन गया है यहाँ पे कैमल, क्या बन गया, एक कैमल। तो इसमें आपको करना है कलर, ओके बेटा, आपको जो भी कलर आपको पसंद हो, आप स्किन कलर है इसको यहाँ पे करके, यहाँ पे फिर रेड कलर ग्रीन कलर करके उसका बेल्ट बनाना है, यहाँ पे फ्लावर में आप करेंगे येलो कलर, ओके, और यहाँ पे करेंगे स्किन कलर, जो इस तरह से आपको ये वाला कलर करना है यहाँ पे, ये करके आपको कंप्लीट करना है, ओके। वेरी सिंपल, आपको बहुत मजा आएगा एक्टिविटी भी करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 37 लूप लिसन रिपीट, चलो इसको रीड करना है, लेट मेक डेक डेम
रैम, कैन, फोन, बेड, पेन, किट, बेग, टेप, मैन, वैन, मेट। चलो फिर यहाँ पे जो हमने वर्ड बोले वहाँ पे देखो सभी में मिडल में सिर्फ दो सभी लेटर में सभी वर्ड में ए आते हैं तो हो जाते हैं।